उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से चलते हैं बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट। ये सीट अभी चर्चा का विषय है। 26 अप्रैल को यहाँ मतदान होना है। ये सीट चर्चा में क्यों है? एक शख्स की वजह से सुर्खियों में छाई हुई है और वो है पप्पू यादव, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। पप्पू यादव के प्रचार के दौरान एनडीटीवी के प्रभाकर कुमार ने, हमारे सहयोगी ने, उनसे जानने की कोशिश की कि उनको टिकट क्यों नहीं मिला और लालू यादव से उन्हें क्या समस्या है। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्णिया एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा चर्चा है एक निर्दलीय उम्मीदवार की, ना कि एनडीए या इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों की। और वो उम्मीदवार है पप्पू यादव, जिन्होंने सबकी नींदें हराम कर रखी हैं। लोग हमेशा मूर्ख समझते हैं, जनता को ठगते हैं। हमेशा हमको लगता है कि जनता ठगे गए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। मैं आनंद मार्गी हूँ और मेरी कोई जाति नहीं है। मेरे बेटा बेटी को भी जाति का पता नहीं है। और हमारी आप कोरोना में यदि मैंने लोगों की सेवा की, सब कुछ बेच के, तो वहाँ जाति नहीं थी। बाढ़ में किया तो जाति नहीं थी। हर घटना में करता हूँ तो जाति नहीं थी। वो अलग बात है कि जाति एक सच हो गया है और जाति टाइटल है। पप्पू यादव को एक समय लालू यादव का हनुमान कहा जाता था। ये उनके संकट मोचक थे, लेकिन फिर रिश्ते ऐसे बिगड़े कि अब एक दूसरे की शक्ल तक बर्दाश्त नहीं। उनके साथ हम रहे, विपक्ष बनाने में पप्पू यादव की सबसे बड़ी भूमिका रही। सदन में वो गवाह है, प्रूफ है वो बात। हाँ, मुख्यमंत्री बनाने में पप्पू यादव की सबसे बड़ी भूमिका रही। तो यदि मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका रही विपक्ष की, और लगातार जब भी वो संकट में रहे तो पप्पू यादव साथ रहे। हुआ क्या आपसे ऐसे व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों है वो हमारा? अब ये बात तो पॉलिटिकल, कन्हैया जी से क्या दुश्मनी हो सकती है, साहबुद्दीन जी से क्या दुश्मनी? क्या इसलिए कि आप उनके बेटे के लिए थ्रेट हो सकते हैं कभी? देखिए, मैं किसी के, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए थ्रेट नहीं होता। राजा साहब को बड़े महाराजाओं के द्वारा उनको सब कुछ मिला, तो विरासत में उनको। आप तेजस्वी को राजा साहब बोल रहे हैं? तो राजा हैं, महाराजा और राजा हैं, जो इतने बड़े पदों पर और जो निर्णय खुद ले लेते हैं। मैं मिला, मैं हमेशा उनको, कभी ये बात भी नहीं रहा कि जब हम लालू जी के साथ थे तब उनका जन्म नहीं हुआ। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ ऐसा ही हाल पप्पू यादव का हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी के विलय कांग्रेस में कर लिया, लेकिन कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई और पूर्णिया का टिकट उनके हाथ से जाता रहा। विचारधारा में कांग्रेस के करीब पार्टी, विचारधारा के मुझको समझ में नहीं आया कि निचले स्तर पर क्या क्या होता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ और मैं चैलेंज भी नहीं कर सकता हूँ और मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा। जिनके भाग में जो है, कभी मोतिहारी से, कभी मुजफ्फरपुर से, तो बड़े लीडर हैं। पप्पू यादव ने अपनी राजनीति बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में सीमित कर दी है और उनकी कोशिश है कि वो देश में कोसी के बेटे के रूप में जाने जाए। सीमांचल कोसी की जनता के भावनाओं के साथ आजीवन राजनीति करूंगा, विश्वासघात कभी नहीं करूंगा। और सीमांचल को, कोसी को दुनिया में नंबर वन करने के लिए, वर्ल्ड के नंबर वन, मैं आपको दिल से कहता हूं, मेरी कोई राजनीति नहीं है, मेरा कोई जात पात नहीं है। मुझे सिर्फ इस इलाके के पलायन को रोकना, इस इलाके को नंबर वन करना, इस इलाके में गरीबों के लिए फैक्ट्री और उसकी, इस इलाके में युवाओं के रोज़गार, इन चीज़ों को दुनिया के सामने लाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। पूर्णिया से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।